उत्तराखंड में आज से मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत हो गई है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने लाभार्थियों को दाल बांटकर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 2 किलो दाल बाजार मूल्य से सस्ते दामों पर मिलेगी। प्रदेश सरकार 15 रुपए कम कीमत पर यह दाल लाभार्थियों को उपलब्ध करवाएगी। ये दालें सरकारी राशन की दुकानों पर मिलेंगी। राज्य के करीब 23 लाख राशन कार्ड धारकों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही मिड डे मील के तहत भी ये दाल स्कूलों तक भेजी जाएगी। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि राज्य में राशन की कालाबाजारी पर सरकार ने लगाम लगाई है और अब सरकारी राशन की दुकानों पर भी बेहतर क्वालिटी का खाद्यान्न मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा, अगर जनता को कोई भी शिकायत है तो इसके लिए भी नंबर है 1905, जिस पर अपनी शिकायतें आप दर्ज करवा सकते हैं। वहीं लाभार्थियों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। मकसद ये है कि जो लोग सुदूर क्षेत्र में हैं, गरीब लोग हैं, कई इलाकों में दालें पैदा नहीं होती हैं और उनके पास प्रोटीन का और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हर किसी को स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन भी उसको खाने में मिले। इस दृष्टि से इस योजना को प्रदेश में लागू किया गया है। मैं समझता हूँ कि इससे जो प्रधानमंत्री जी का स्वस्थ भारत की परिकल्पना है उसमें राज्य अपना योगदान करेंगे। नहीं, एक गृहिणी होने के नाते तो मैं इस योजना को बहुत अच्छा मान रही हूँ सभी के लिए, और सबसे ज़्यादा मध्य वर्ग के लोग या जो गरीब लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद योजना है कि राशन पे ये जो दाल बाहर 60-70-65 रुपए किलो मिलती है वो इस दाल संभव है कि 44 रुपए किलो तक मिलेगी, तो बहुत अच्छा मान रही हूँ मैं इस योजना को। ये योजना बहुत ही अच्छी है, मुझे इससे बहुत खुशी हुई है कि आज हमारे उत्तराखंड में ये सारी योजनाएं, नई नई योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री सर लेके आ रहे हैं, तो आगे भी मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो ऐसी योजनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे और गरीब जनता को इसका बहुत लाभ मिलेगा।